बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। भगवान बलराम दया के सागर हम सब पर कृपा करें और हमें प्रेमा भक्ति का दान दें, हम भक्ति में ओत प्रोत हो जाएं और जब हमारा संसार से जाने का समय आए तो हमारी जीभा पर कृष्ण भगवान का नाम हो। तो आप ऊंचे क्यों बैठे, नीचे बैठो, आपके पीछे भी बैठे हुए हैं। तो बलदेव जी की बड़ी आवश्यकता सभी को है। अल्टीमेट कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के पास जाने का ढंग है, पद्धति है। जैसे अगर आपको देश के प्रधानमंत्री को मिलना है, आप नहीं मिल सकते उसको, कई शोर से लड़ाने पड़ेंगे, उसके सचिव से मिलना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, बड़ा ज़रूरी काम है, बड़ी मुश्किल से हम मिल सकते प्रधान। और जो प्रधानमंत्रियों के बाप हैं, सबके राजाओं के जो राजा हैं, सब कारणों के कारण हैं। कृष्ण जो हैं उनको ईश्वर कहा है। ईश्वर कहते हैं नियंता को। और देखो कृष्ण की माया इतनी प्रबल है, हम और आप किस बाग की मूली हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सकते। 5,000 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए थे तो एक लीला हो रही थी, कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, छोटे थे उस समय भगवान, छोटी अवस्था में बछड़े चराते थे भगवान। सब सखाओं ने, उनकी माताओं ने उनको भोजन बांध के दिया था, ये खा लेना, बैठे हैं बड़ा आनंद ले रहे हैं। कई बार सखा, वो सखा भी कोई सदान नहीं है, पता है कि कृत पुण्य पुंज, पता नहीं कितने पुण्य उन्होंने किए हैं जो कृष्ण के सखा बने। सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उनको शंका हो गई, ये बालक भगवान कैसे हो सकते हैं। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। तो उन्होंने जब ये देखा तो परीक्षा लेना चाहिए, बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पर ब्रह्मा जी से भूल हो गई। उन्होंने जितने भगवान के सखा थे, जितने बछड़े चरा रहे थे, सबका हरण कर लिया। इस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। कृष्ण भगवान अकेले, ब्रह्मा जी देखना चाहते क्या करता है भगवान। अरे सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही सखाओं में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया, एज इट इज सब बन गए। बन गए और उनको उन्होंने सुला दिया, योग निद्रा में सबको सुला दिया, बछड़ों को भी सखाओं को भी। अच्छा, इस लीला के पीछे एक और रहस्य है। कृष्ण को जब वृद्ध गोपियां देखती थी, सोचती थी कृष्ण हमारा पुत्र क्यों नहीं बना, भाव से सोचती थी। गायें जब कृष्ण को देखती थी, ये हमारा बछड़ा क्यों नहीं बना। सच्चे भाव से आप कुछ भी करोगे। भगवान ने क्या किया,
उतना ही सब गोपियों के बच्चे बन गए और गायों के बछड़े बन गए। गाय को सुख दिया, उनका दूध पिया भगवान ने। एक साल तक ये लीला चलती रही। गोपियाँ भी बड़ी प्रसन्न हैं, कृष्ण के बने हुए हैं उनके पुत्र, पर उनको किसी को पता नहीं है। एक साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, हमारी जो संप्रदाय है इसके बड़े ब्रह्मा जी हैं। चार संप्रदाय हैं, पहली ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, हमारे शुरू करने वाले ब्रह्मा जी। फिर कुमार संप्रदाय, चार कुमार, सनक सनंदन सनातन और संत। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, जिसे माता लक्ष्मी ने शुरू किया। चौथी रुद्र संप्रदाय, जिसे भगवान शंकर ने शुरू किया। इन चारों संप्रदाय में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति सिखाई जाती है। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा मुझे पूजो ना, उन्होंने वही फिर बाद में बल्लभ संप्रदाय बन गई। बल्लभाचार्य इसी संप्रदाय में बड़ा विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी आए, देखा वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए, भाग्य देखकर जहाँ उनको योग निद्रा में सुला रखा था, सब वहाँ सो रहे हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी अपने हंस बाण से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी आंखों से आंसू आने लगे। चार सर हैं ब्रह्मा जी के, जितना बड़ा लोक है उसके मुताबिक ब्रह्मा जी के सर होते हैं। ये जिस लोक में हम रह रहे हैं सबसे छोटा लोक है। तो ब्रह्मा जी रोने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा ली। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की उनको प्रसन्न करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, हम सब छोटे बड़े नियंता हैं। पति कहे नहीं मैं बच्चों का बाप हूँ, पत्नी का पति हूँ, घर का नियंता हूँ, नहीं। पति आता है काम करके, पत्नी कहते चाय पिला मेरे को, बैठो मैं किसी दूसरे काम में लगी हूँ, ख़त्म करके। किचन डिपार्टमेंट पे कंट्रोल किसका है? पत्नी का। सब कंट्रोल होने छोटे बड़े, पर कृष्ण को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। हाँ कृष्ण को भी कंट्रोल करते हैं उनके प्यारे भक्त, जैसे जसोदा मैया छड़ी दिखाती हैं उनको, भगवान डरते हैं, रोने लग पड़ते हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई मुझे भी डराए, पर अपने भक्तों के अधीन नंद और जसोदा ये बहुत बड़े भक्त हुए। देवकी और वसुदेव ने तो जन्म दिया, बाल लीलाओं का सुख नंद और जसोदा को मिला। तो भगवान जो हैं वे सब कारणों के कारण, उनका कोई कारण नहीं है। याद रखो कोई समय ऐसा था ही नहीं जब भगवान नहीं थे। जो था नहीं तो फिर नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं। और देखो कि जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे सिखिज्म है, ग्रंथ साहब में कृष्ण का बड़ा नाम है। गुरु नानक देव कहते हैं एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक ताको दास है सो ही निरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव हैं, कृष्ण का कोई
पूजनीय नहीं, कृष्ण सबके पूजनीय हैं। और देखो जीसस हुए, जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बोला आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। मोहम्मद साहब हुए, प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमान, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, उन्होंने कहा अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इलाहिल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का, भगवान का, खुदा का पैगंबर है। किसने किसने कहा इन भगवान, केवल कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ। और अर्जुन ने प्रश्न किए, आप कहते हैं आपने 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये गीता सूर्य देव बस उनको सुनाई थी, आपका और मेरा जन्म तभी हुआ है, इतने समय पहले कैसे? भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूँ पर तू नहीं जानता। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, बड़े महान थे वो भी, उन्होंने कृष्ण को पूछा कि 100 वर्ष पूर्व मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़े। तो भगवान कहते हैं पितामह 100 वर्ष पूर्व का तो हाल जानते हैं, अब 101 वर्ष पूर्व का नहीं, वो मैं जानता हूँ। 101 वर्ष पूर्व एक राजा थे, आप घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, पीछे आपकी सेना घोड़ों पर आ रही थी, आपने रास्ते में पड़ा हुआ कि सांप देखा, आपने सोचा वही पीछे घोड़े इसको कुचल देंगे, उठा के उसको साइड में फेंका, साइड में जब फेंका वो बबूल के पेड़ पर जा गिरा, उसके सारे शरीर में कांटे लगे और तड़प तड़प कर वो मरा। वो पाप आपको इस जन्म में लगा है। तो कृष्ण के पास जो हम सबके कारण हैं, और याद रखो जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति करना और कुछ नहीं। कोई बड़ा अफसर बन गया, जैसे एक बार हमारे यहाँ पर मेजर जनरल कोचर आए थे, किसी को कहने लगे मेरे अंडर इतनी आर्मी है, 1 लाख आर्मी है, कोई घबराने की बात नहीं है, उग्रवादियों का था। तो कोई जनरल बना, कोई कर्नल बना, कोई कुछ, लेकिन ये शरीर की जो उपाधियाँ हैं शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। सर्व उपाधि बिनर मुक्तम तत्परत में ना निर्मलम, सारी उपाधियों से हमने मुक्त होना है। कैसे? हमने कृष्ण का दास, अहम ब्रह्मास्मि, मैं पर ब्रह्म का अंश हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। दासो अस्मि, हम स्वामी नहीं हैं, हम दास हैं। उन कृष्ण भगवान को पाना इन महापुरुष ने, प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, और ऐसे लोगों को भी समझा सके जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। ये एक अवतार है कृष्ण भक्ति स्थापित करने के लिए जो प्रकट हुए थे। आपने तो इनके बारे में सुना है, इनकी कृपा से ही, बलदेव भगवान कृष्ण भगवान की कृपा से, राधा कृपा से, गौरनीता की कृपा से मुझे इनका संग मिला जो असंभव था, असंभव था। उन्होंने मुझे अपना संग दिया, साथ में रखा, बड़े नज़दीक से देखा मैंने उनको। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है। और ये नहीं सोचो कि अभी नहीं है, मूर्ति रूप में बैठे हैं, संजय हैं यहाँ पर, आ गया जल्दी से
प्रभुपाद जी की मूर्ति जो सांस ले रही थी वो बता दें इनको। पंजाब से अमृतसर से डेकोरेशन करने वाला आया, फ्लावर डेकोरेशन वाला, अपने कुछ आदमियों को लेकर, और राधाष्टमी से एक रात पहले यहाँ पर सब डेकोरेशन वो करने लगा, सजावट करने लगा। तो 12 एक बजे के आसपास का कुछ समय था, उसके आदमी सब सजावट कर रहे थे और वो यहाँ पे भगवान के बाहर का जो सिंहासन के बाहर का, यहाँ भी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के उसके आदमी कर रहा था, उससे नीचे सीढ़ी पकड़ रखी थी और सिक्योरिटी गार्ड इस दरवाजे पे खड़ा हुआ इन सब पर नजर रखे हुए था। तो जिस समय में उसके आदमी डेकोरेट कर रहे थे तो वो सीढ़ी पकड़े हुए बाकी आदमियों को भी देख रहा था, सब ठीक से सजावट कर रहे हैं। तो उस समय जब उसने नजर घुमाई तो उसकी नजर प्रभुपाद जी की तरफ जब गई तो क्या देखा उसने, प्रभुपाद जी सांस ले रहे हैं और गर्दन घुमा के इधर उधर देख रहे हैं। अब ये देखा तो वो डर गया इससे, डर गया पे मूर्ति हिल रही है। तो वो डर के सीढ़ी छोड़कर इधर गार्ड के पास आया और गार्ड को कहते देखो वो सामने क्या हो रहा है। तो गार्ड को कुछ दिखाई नहीं दिया ऐसा कुछ। लगभग 2:30 बजे तक डेकोरेशन पूरी हो गई तो वो नीचे वाले हॉल में स्टेज पर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो गया, ये सोच के 4 बजे भक्त उठ जाएंगे, मैं पेमेंट लेके चला जाऊंगा। जब स्टेज पे सोया तो 45 मिनट प्रभुपाद जी उसके सिर के पास बैठे रहे। जब सुबह पेमेंट लेने के लिए आया तो उसने मेरे से पैसे मांगे तो मैंने 1,000 रुपये कम दिया उसे। उसने गिनती किया तो देखा 1,000 रुपये कम है, तो कहते इसमें तो 1,000 रुपये कम है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, उसमें थोड़ी सा सेवा लग जाएगी तो क्या घट जाएगा तेरा। कुछ सोचने लगा, फिर कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। मैंने सोचा रात को अकेला था, पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से। मैंने पूछा क्या लेके जा रहा है, कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा या तो बात ही मत करता, अगर बताया तो कहते इतना तो बता लेके क्या जा रहा है। तब उसने ये सारी घटना सुनाई प्रभुपाद जी के मेरे को। हरे कृष्ण। तो ये एक अवतारी पुरुष हैं जिनका संग हमको इनकी कृपा से मिला, बड़े नज़दीक से देख। कभी देखो हम भी शादी करते, गृहस्थ आश्रम चलाते, सब दुनिया यही सोचती है सुंदर पत्नी हो बच्चे, कोई हमारे मन में ये नहीं। ये मिलने के बाद हमारा चित्त प्रसन्न हो गया। तो ये अवतारी पुरुष आज भी आपकी मदद करेंगे, आज भी जो हैं आपका सहयोग करेंगे भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज बलदेव भगवान भी गुरु तत्व में आते हैं। मिलना हमने कृष्ण को है, पर बलदेव की भी कृपा हमको चाहिए। बलदेव कृपा करें तो कृष्ण मिल सकते हैं, कृष्ण की कृपा हमें मिल सकती है। तो आज के दिन आप सब ने दोपहर तक व्रत रखना है, अन्न नहीं खाना, और बलदेव भगवान का स्मरण करना, और इनसे यही प्रार्थना करनी कि जिस काम के लिए आपने ये शरीर मुझे दिया है मेरा काम इस जन्म में पूरा हो जाए। काम इस शरीर के द्वारा आया है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए। और हम भगवान का नाम लेते हुए इस देह का त्याग करें तो जीवन सफल। पर ये मत सोचो कि इतना आसान है, जीवन काल में अगर बड़ा परिश्रम किया होगा, अभ्यास किया होगा, दिन रात भगवान के नाम में लगे होंगे, वैसे और कुछ हमें करना ही नहीं, क्योंकि बाकी संसार के कामों से कुछ नहीं मिलना हमको। मैंने 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया होगा, आया था तो हाथ बंद थे, जाऊंगा तो हाथ खुले,
उल्टा उससे मेरा मोह हो गया, मैंने 100 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, अगला जन्म सांप का लेना पड़ेगा। यहाँ किसी चीज़ से हमें मोह उत्पन्न नहीं करना, हमें यहाँ बलदेव भगवान की कृपा से कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना है, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण भगवान का जीवा पर आ जाए, अंत में नारायण की स्मृति, अंत में नारायण कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, एक स्वयंवंश, जैसे नारायण नृसिंह वराह कुर्मा, वो भगवान जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है वो मैं बताता हूँ। एक भिन्निवंश, हम भी सब भगवान के ही विस्तार हैं, हम भी उन्हीं के हैं, लेकिन जो भिन्निवंश है हम जीव की संज्ञा में आ जाते हैं, स्वयंवंश जो हैं वो उन जैसे ही हैं। अंतर ये है कि एक दिया जल रहा है, उस जलते दिए से आपने दूसरा दिया जलाया, दूसरे से तीसरा, जो हजारों दिए जला दिए, सारे दिए एक ही जैसे होंगे, होंगे न होंगे ये नहीं होंगे बोलो, पर बाकी दियों का कारण पहला दिया है वो है कृष्ण, ये उनके अपने विस्तार हैं। हम जो हैं जीव अंश हैं, हम भी कृष्ण से आ रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अंश से नहीं, अपने हम अलग हैं उनसे, हम पतन को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे महात्माओं की कृपा से कृष्ण की अगर हम शरण लेते हैं, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के लिए जीते हैं, कृष्ण के लिए मरते हैं, फिर भी इतना रिस्की है कि जैसे महाराजा भरत ने जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा, छोटी अवस्था में छोड़ के चले गए, रानी बच्चे महलों का सुख, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इनसे चिपके रहना नहीं है, ये तो है ही नहीं हमारे। जब वो चले गए तो उनकी समाधि लगने लग पड़ी, पुलहा आश्रम में गए जो नेपाल में है, वहाँ समाधि क्या है, सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम्, मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है उसे समाधि कहते हैं, वो स्टेज महाराजा भरत की आ गई। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो अपने कुटिया में बैठे हुए थे, एक हिरनी नदी का किनारा, गंडकी नदी, जिनमें से शालिग्राम मिलते हैं, शालिग्राम गंडकी नदी में प्रकट होते हैं, तो एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा, वो हिरनी डर गई मुझे खा जाएगा, शेर खा जाते हैं जानवरों को, वो डर के मारे नदी पार करना चाहिए उसने, जब नदी पार कर रही थी तो डरी हुई थी वो, उसके पेट में बच्चा था, उसने नदी पार करते समय बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा जो है पानी में तैर रहा है, वो पार चली गई और उसने जाकर अपने बच्चे को देखा और वो मर गई वहाँ पर। ये दृश्य महाराजा भरत ने देखा, संत हृदय नवनीत समाना, परम हृदय संत महाराजा भरत, ये अनाथ माँ मर गई इसकी, निकाल के ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे, चाहिए ये था बड़ा होता उसको छोड़ देते, जाओ मोह, मोह संसार का राज्य का मोह, पत्नी बच्चे महलों मोह सब, लेकिन हिरणी के बच्चे से मोह हो गया, मोह इतना प्रबल है, समय और समुद्र की लहर <coughs>
किसी का इंतज़ार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया है, मृत्युशैया पर वो पड़े हैं, बजाय इसके कि वो हरि स्मरण करते उस हिरण का स्मरण कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया। उसी हालत में उनके शरीर का अंत हो गया। इतना तप त्याग था, अगला जन्म उनका हुआ हिरण का। यहाँ पहले उस पुलहा आश्रम में रहते थे, वहीं पर आ गए। अब याद है उनको मैं कौन था, इतना तप त्याग, लेकिन अब क्या हो सकता है। वहीं रहे, सूखे पत्ते खा के समय गुजारा, पर जब शरीर छूटा उनका, अगला जन्म भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में दिया। वहां वो जानबूझकर गूंगे और बैरे बन गए, ना किसी से बोलना ना कुछ सुनना। वर्णन आता है उनके पिता ने बड़ा प्रयास किया उनको पढ़ाने का, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं। और उनके जो सुतेले भाई नौ बताए हैं, उनकी पत्नियां उनको खुरचन दे देती थी खाने के लिए, सड़ा हुआ कुछ दे देना, कुछ नहीं बोलना। इस जन्म में मैंने भगवान की प्राप्ति करनी है। और बड़ी उनकी लंबी स्टोरी है। तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए आसान है, लेकिन प्रयास करो कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। ऐसे महात्मा प्रकट हुए हैं जिन्होंने हमको गौरांग महाप्रभु, उनके बड़े भाई बलवान, बलराम, नित्यानंद, ये बड़े दयालु हैं। हमारे एक आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा है, सतयुग के भगवान हंस भगवान, आयु होती थी 100,000 वर्ष, त्रेता युग के भगवान राम और आयु होती थी 10,000 वर्ष। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग आया, द्वापर युग के भगवान कृष्ण, आयु होती थी 1,000 वर्ष, और मंदिरों में सेवा करके भगवत प्राप्ति होती थी। तो कलयुग में भी भगवान ने इस युग को नहीं निकाला। इस युग में भगवान गुप्त रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। तो गौर भगवान आए, भागवत प्रमाण है, भागवत में लिखा हुआ है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रपार्षदम। हरि बोल। यज्ञ संकीर्तने प्रागेन ये यंति ही सुमेधशा। ये नव युगेंद्रों में से योगेंद्र जो हैं, वे महाराजा कर भजन को बता रहे हैं। भागवत के 11वें स्कंद में 5:32 श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर ये यंति ही सुमेधशा। श्री कर भजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। कर भजन योगेंद्र निम्मी राजा को ये उपदेश दे रहे हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, महाप्रभु की कीर्तन, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सदा नाम जपते रहते हैं, भक्ति सिखाने आए हैं हमें।
यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, भागवत कह रहा है योगेंद्र कार भजन, योगेंद्र जो कह रहे हैं नव युगेंद्र में से कार भजन, श्यामल रंग नहीं है उनका, कृष्ण का श्यामल रंग था, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। तो कलयुग में भगवान आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमारे लिए सुगम कर दिया है पर अपनी प्राप्ति, पर हम लोग नहीं लाभ ले सकते। सारा समय संसार में बिता देते हैं, संसार से मिलेगा क्या, संसार के लिए मैंने बड़ा काम किया, बड़े बड़े पद ले लिए मैंने, अंतिम बड़ा धन भी मेरे पास करोड़ों के हिसाब से हो गया, अंत में मिलेगा क्या मुझे। यमदूत, जो मैंने बड़ी मेहनत करके कमाया कुछ नहीं काम आने वाला, सब उल्टा मेरा मुंह से हो गया भाई। ओह मेरा परिवार, इसका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मुंह। हमने इस मुंह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भक्ति जब हम भगवान की करेंगे, जैसे कहा है ना एक दो शब्द, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुना ले, मौत की बेखबर, पता क्या है कौन सी सांस को, पता क्या है कौन सी सांस, तेरी मौत चुन ले, है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, चाहे तो भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, बड़ा लंबा भजन है। तो हमने अपनी जो नैया है इसको भवरूपी सागर से पार करना है, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया,
कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कैसे हैं? त्रिलोकीनाथ मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा कहा भैया भैया कहा कहा रे बज कृष्ण कन्हैया रे बज, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रण में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग नचैया काली रे भज कृष्ण कन्हैया रे भज, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कैसे हैं ये कृष्ण भगवान? सुदामा जी बड़े गरीब हैं बेचारे। त्रिलोकीनाथ सबके कारण सबके मालिक मिलने आए भगवान को, कहा भैया मेरे लिए क्या लाई है वो क्या है क्या किस चीज की कमी भगवान को? द्वारका नाथ है वो, राजा है वहां। वो बेचारे जब आ रहे थे सुदामा जी, उनकी पत्नी ने उनको प्रेरणा की। क्या नाम था सुदामा जी की पत्नी? सुशीला। कहती आप, मैंने सुना कि आपके मित्र कृष्ण हैं। कहते हाँ हैं, हम इतने गरीब हैं, आप जाओ उनको मिलने। मैं मांगने मिलने जाओ, मिलने जा सकता हूँ, पर क्या देगी क्या, घर में क्या कुछ भी नहीं है। सुशीला माता के ही पड़ोसन से मेरे पति जा रहे हैं अपने मित्र को मिलने के लिए, कुछ दो तो चेवड़ा दिया उसने, वो पोटली बांध ली। बड़ी कठिनाई से पहुंचे भगवान, मेरे लिए क्या लाए हो? देखो भगवान तो पाप और प्रेम, वो छुपा रहे क्या रहे त्रिलोकीनाथ को, क्या भय भव साफ कुछ मां समझ, भगवान तो सब जाने। अच्छा देखा इच्छे इतना बढ़िया है मेरे लिए भाभी ने भेजा है, मुझे दे नहीं रहे आप, एक मुट्ठी खाई एक लोग का रथ दे दिया, दूसरी खाई तो का, तीसरी खाने लगे रुक्मिणी माता ने कह दी सब आप ही खा जाओगे हमें नहीं दोगे। ऐसे हैं भगवान, ये बहुत दया में हैं। और देखो अर्जुन का रथ रण में हांका, ड्राइवर मानना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ड्राइवर तो जो पीछे बैठा हो कहते हैं ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर। और अर्जुन ने कहा भी प्रभु दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़ने आया है। शकुनी ने बोला दुर्योधन को जा भी हमें युद्ध होगा। शकुनी बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, मामा था वो, मदद के लिए तो शकुनी के कहने पर दुर्योधन आ गया
और परमपिता शयन लीला कर रहे थे, लेटे हुए थे। सर के पास आके बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा। विदुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मुझे पता लगा कि शकुनी कृष्ण से मदद मांगने के लिए चला गया, तुम भी जाओ। जट आए, भगवान अभी शयन लीलाएं कर रहे थे, चरणों में बैठ गए। जब चरणों में बैठ गए तो इसको सांप सूंघ गया, भाई ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। भगवान जगे, अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो दुर्योधन। भाइयों में युद्ध होगा, भगवान कहते हैं मैंने तो प्रयास किया, नहीं करो तुम करना ही चाहते हो। कहावत भी है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम आपसे मदद मांगने आए हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन छठ सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। फिर सोचना भाई ये सेना मांग लेगा, अर्जुन तो भक्त है ना। भगवान हमें दिखाने के लिए था, शिक्षा देने के लिए। भगवान की हर बात शिक्षाप्रद होती है। अर्जुन को पूछा, अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। वो खुश हो गया कि मुझे मंजूर है, सेना लेके चला गया। अभी जब दुर्योधन चला गया, अर्जुन को कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं ना अपने भक्तों की, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तूने मेरे को मांग लिया, आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप शस्त्र उठाओ नहीं उठाओ, मुझे तो आप चाहिए। हर हालत में हर सूरत में हमको भगवान चाहिए। भगवान कहते अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, ड्राइवर बन गए। भगवान वर्णन आता है, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, सच्चा प्यार करना पड़ेगा भगवान को। हमारा प्यार बटा हुआ है, पुरुष का स्त्री से प्रेम है, स्त्री का पुरुष से है, मोह माया फंसे हुए हैं। ये सब धोखे देंगे, पत्नी पति को धोखा देगी, पति पत्नी को। अगर पति के प्राण पर खेर उड़ गए तो पत्नी क्या कहेगी, रखो इनको ले जाओ भूत बन गया ले जाओ। पत्नी चल गई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। प्यार सच्चा प्यार हमारा बटा हुआ है। ऐसे महात्माओं की कृपा से ये प्यार हमने भगवान की ओर मोड़ना है, कृष्ण की प्रयास करो। और ये प्यार इतना सुखदायी है, इसलिए कहा है ना, भज मन राम चरण सुखदाई, भजम भजमन श्याम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण
शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन भजमन राम चरण सुखदा, भजमन सुख केवल हरि चरणों में। संसार में विषय विकारों में भोग विलास में पति पत्नी में कोई सुख नहीं, नाम का सुख परिणाम में दुख। लेकिन हम लोगों को जब तक ऐसे महापुरुष ना आए समझाने वाले, ये महापुरुष भी भगवान के भेजे हुए, भगवान को हमारी चिंता है। भगवान कहते हैं ये मेरे बच्चे जो मेरे चालक हो गए हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, इनका ये जन्म मरण का चक्कर, इसलिए तो उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म सारे कर्तव्य तू छोड़ के मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूँगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, मां सोच चिंता मत कर, शरण में भगवान की शरण में आना है। देखो प्रायः हम नहीं भगवान की शरण में आते हैं, मौत की शरण में सबको जाना पड़ेगा, जाना तो कोई नहीं चाहेगा, मौत आ जाएगी लेने के लिए, इससे पहले मौत आ जाए लेने के लिए हमको मृत्यु निश्चित रूप से, अंग्रेजी में कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है, वो आए। हम प्रयास करें ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में आए। बड़े मैंने बड़े पाप किए हैं बहुत, तो भगवान कहते हैं सारे पापों से छुड़ा दूंगा मैं तेरे को, हमने शरण में आना है। तो भगवान के चरणों का कमाल। अगला है जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लौलाई, सोई केवट चरण दुईलीने, तबरानी नाव चलाई, तब हरि नाम भजमन राम चरण सुखदाय। अभी भरत जी वो भी भगवान का स्वरूप है, उन्होंने चरण पादुका भगवान के लिए सर पर रख के ले आए और राज्य किया उन्हीं को रखकर। भरत रहे लो लाई हृदय तिलगा करें, सोई चरण केवट दुई लेने, केवट केवट की कथा आती है। पूर्व जन्म में एक कछुआ था केवट, और क्षीर सागर में ही था, तो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहा, तो लक्ष्मी माता ने घूर के देखा, उधर से अनंत शेष ने घूर के नहीं, फिर वो केवट बने। भगवान ने उसकी बड़ी इच्छा थी पूरी करने के लिए, तो सोई केवट सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण केवट धुई लीने, तब हरि नाव चलाई। जब गए तो पहले तो मौका नहीं मिला, कहा प्रभु मैं ले जाऊंगा आपको उस पार, पर मैंने सुना कि आपके चरणों से
एक शिला का स्पर्श हुआ तो वो स्त्री बन गई। मैं गरीब हूँ, मेरी चरण अगर आपके मेरी नौका को लगे, ये स्त्री बन गई तो मैं बच्चों का पालन कैसे करूँगा। चाहे छोटे कुमार मुझे डांटे पर मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर आपको अच्छा भाई चरण धोए केवट ने, चरणामृत लिया, परिवार को पिलाया, जन्म सफल किया, तब तो भगवान को नाम पहचानाया। फिर सोई चरण संतन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई सदा, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, पर भजमन राम चरण सुखदा, भजम वही चरण संत सेवा करते हैं, आनंद में रहते हैं, कुछ है उनके पास कुछ भी नहीं, भगवान के चरण उनके हृदय में है, किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ है, सदा रहे तो सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई। गौतम ऋषि के श्राप से अहल्या वो शिला बन गई थी, तो विश्वामित्र जब ले रहे हैं, ले जा रहे हैं उनको जनकपुर में यज्ञ में सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये आपके चरणों की धूलि चाहती है, स्पर्श किया तो गौतम ऋषि नारी उसको अपना शरीर मिल गया और धाम को चली गई। फिर दंडक बन प्रभु पावन की, ऋषियन त्रास दिखाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग गाई, कनक मृग भज मन राम चरण सुखदा, दंडक बन भगवान ने पावन किया अपने चरण कमलों से। ऋषि उनको बड़ा त्रास था राक्षसों का, उनका ऋषि त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, वो मृग के पीछे भाग रहे हैं, लीला भगवान की। सीता जी ने कहा कि मुझे ये मृग चाहिए, उसके कनक मृगा संगदाई भजमन रामचरण सुखदाई। फिर कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जय चतर फिराए, तिन जय चतर फिराए, रिपु को अनुज भविष्यन निशन, परसत लंका पाई, परसत भजमन राम चरण सुखदा, भजमन सुग्रीव जी बड़े परेशान हैं। सुग्रीव
को बाली मारना चाहता था। सुग्रीव की गलती नहीं थी, एक ऐसे पर्वत पर वो रहते थे जहाँ पर बाली नहीं जा सकता था और हनुमान जी भी उनका साथ थे। उनकी विजय करवाई, भविष्यन को लंका का राज दे दिया भगवान ने रावण को मार करके। फिर शिव शंकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष शेष मुख गाई शेष शेष बजमन राम चरण मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई भज मन राम चरण भज मन। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी की बड़ाई भगवान खुद करते हैं अपने मुखारविंद से। हनुमान जी इतने भक्त हैं, महान भक्त हैं, बस हमें भक्ति करना है, भक्ति करनी है भगवान की। हनुमान जी से भी भक्ति मांगो, बलदेव जी से भी भक्ति मांगो। बलदेव खुद भी मुक्ति के दाता हैं पर वो कृष्ण से मिलाते हैं। भक्ति मांगो और कुछ नहीं, बस सेवा, निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं। जब तक जीवन है प्रयास करो सब कामों से मन को हटाओ, क्योंकि दुनिया में जो हमारा मन लगा है इसमें से कुछ ना किसी को कुछ मिलेगा ना मिला है। किसी को मिलेगा कुछ है? आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है आपकी? कुछ नहीं मिलेगा किसी को। मिलेंगे यमदूत, यमदूत किसी को ना मिले, मार मार कर हड्डी पतली वो एक कर देंगे। सब सत्य है, यमदूत सत्य है, नरक सत्य है, स्वर्ग सत्य है, वैकुंठ सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन हम लोग भटके हुए भूल गए हैं भगवान को, तो हमें आंखें खोलनी है। आज दाऊ जी की कृपा से बोलो दाऊ भैया की। मैं बोलूंगा कृष्ण कन्हैया, मैं बोला दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया ना, कृष्ण कन्हैया ना, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बोलो दाऊ भगवान की। दाऊ जी से प्रार्थना करो, चरणों को आश्रय दो, भक्ति दो, ताकि पुनः हमको गर्भ योनि में ना आना पड़े, कष्टों को ना उठाना पड़े। गर्भ योनि बड़ा दुखता है, बहुत कष्ट है। 9 महीने तक पैक होगा, ना इधर टांग हिल सकती है ना इधर। दुर्गति गर्भ योनि बहुत दुखदाई, उससे बचने का रास्ता बस श्री कृष्ण शरण, भगवान के चरणों में जीवन समर्पण। कृष्ण शरण श्री कृष्ण शरणम मम
श्री कृष्ण शरणम नमः। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय शंकरशन जय बलराम, जय शंकरशन जय बलराम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, जय शंकरशन जय बलराम, नारायण के अंश विशेष, कबु न होए तिहारो शेष, सहस्रमुखी हम एक मुख वाले, कैसे कहे तुम्हारे गुण नाम, जय शंकरशन जय बलराम, जय शंकरशन जय बलराम, जय शंकरशन जय बलराम, ताली बजाओ बोलो, जय शंकरशन जय बलराम, जय शंकरशन जय बलराम, जय शंकरशन जय बलराम, बोलो शंकरशन भगवान की। प्रभुपाद शिक्षामृत आज के दिन प्रभुपाद ने ये शिक्षा हैदराबाद में दी थी 19 अगस्त 1976। क्या कहा है प्रभुपाद जी ने, वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। गर्भ निरोधक, गर्भ के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। गृहस्थी जिनकी संतान है, गृहस्थियों का काम है, अभी कई बार ऐसा मैंने देखा है के लोग खुद भक्ति करते हैं, बच्चे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, बच्चों क्यों नहीं, बच्चों को नहीं हम रोकते। तो प्रभुपद क्या कह रहे हैं, अगर बच्चों को मुक्ति नहीं दिला सकते तो आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए, माता पिता मत बनिए। ये भी कहा है, गुरु
शिष्य को अगर मुक्ति ना दिला सके उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग जो हैं अधोपतन की ओर प्राप्त हो रहे हैं। भागवत में गुरु न सयात, जनो न सयात, पिता न सयात, सयात जननी न सा सयात, देवम न तत्स्यान, पतिश्चा सा सयात, मोचद्य समुपेत मृत्युयम। ये भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उभार ना सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ऋषभ भगवान की 100 पुत्रों को ये शिक्षा है। आज जो गुरु बनते हैं चेले इकट्ठे करने के लिए घोर नरक, जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पद से उबार ना सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। कृपया इन बातों का ध्यान रखो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।